देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार विरोध व्यक्त कर रही है। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भैंसा बुग्गी पर बाइक रखकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने घंटा घर रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर ताली और थाली भी बजाई और जमकर नारे लगाए। देश भर में पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर समेत अन्य वस्तुओं पर बढ़ रहे दामों का विरोध करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। कांग्रेसियों ने स्लोगन लिखे पोस्टर भी दिखा जिन पर कांग्रेस काल के रेट भी दर्शाए गए और उसके बराबर में बीजेपी के दौरान महंगाई के रेट भी दर्शाए गए। पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो चुके हैं, डीजल के दाम 100 रुपए पार हो चुके हैं और इससे पूरी महंगाई बढ़ेगी। जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा था उस समय पेट्रोल का दाम और क्रूड का रेट बहुत ज़्यादा था, 100 से ऊपर था, तब 80 से ऊपर नहीं पहुंच पाया था, आज 100 से ऊपर है। इसी से महंगाई बढ़ रही है और यही कारण है कि आज जब 80 रुपये पेट्रोल हुआ था कांग्रेस के शासन में तो इन्होंने बुग्गी से शुरू आना शुरू कर दिया था, साइकिल से आना शुरू कर दिया संसद में, आज 100 से पार हो गया, आज ये चुप है। तो ये महंगाई खत्म की जाए, महंगाई कम की जाए, हम महंगाई के विरोध में। जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई की कमर तोड़ कर दी है, महंगाई में गरीब लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। महंगाई इस तरह बढ़ा दी गई है कि लोगों के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है और पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, जबकि इनको पेट्रोल जो मिलता है 35 रुपए लीटर मिलता है बाहर से और उसके बाद टैक्स लगा के, राज्य सरकार का टैक्स लगा के आज तेल के जो भाव है 100 के पार कर दिए हैं। और मोदी सरकार जब सरकार में आई थी सत्ता से आने से पहले उन लोगों ने वादे किए थे बड़े बड़े कि अब महंगाई खत्म करनी पड़ेगी, कांग्रेस की सरकार में महंगाई के दाम बहुत ज्यादा है, लेकिन आज क्या है, आज जनता लाचार हो चुकी है, आज जनता में हाहाकार मची हुई है, अपने बच्चों का पेट पालने पे मजबूर है। गैस के दाम देखिए, महिलाएं क्या करें, आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस सरकार में 250 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाकर प्रदर्शन कर रही है। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से महंगाई कम होती है या नहीं।